कई दिनों से कहीं ना कहीं कई दिनों से नहीं काफी वक्त से कहीं ना कहीं मैसेजेस फेसबुक में हमें मिल रहे थे कि दबाव क्रिकेट के स्टैट्स को रिलेटेड एक वीडियो अगर आप बना दें तो बेहतर होगा। T20I के बारे में उन्होंने एक स्पेसिफिक लिखा था और काफी सारे एक कोई ग्रुप था, मैं उस ग्रुप का नाम भूल रहा हूँ, ग्रुप में काफी सारे लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस वीडियो को रिक्वेस्ट की थी, तो काफी वक्त से पढ़ा हुआ था। जब हम सर्च करते देखा हमने कि चलिए इसको कम से कम वीडियो बना ही दिया जाए, कम से कम डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे ही दी जाए। तो ये है दबाव क्रिकेट के कंप्लीट स्टैट्स को लेकर T20I T20I में एक प्रॉपर सारे स्टैट्स अगर हम देख लें तो उसमें नेपाल क्रिकेट कहां पर बैठता है, नेपाल क्रिकेट कौन से प्लेयर्स किस तरह के स्टैट्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारी अपडेट्स आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और जिन तक भी पहुंचाना चाहें आप उनको बताते हैं ताकि उनके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो जाए। एंड शुरुआत करें सबसे दो पहले स्टैट्स नेपाल के आप कौन से दे रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले दो की बात करें तो मोस्ट रन्स को देखें अगर T20I में, जी हाँ, तो ये दीपेंद्र सिंह हैरी के नाम है। उन्होंने 1103 रन किए हैं अब तक और मोस्ट में नंबर वन पर है वो नेपाल के लिए, बहुत अच्छी बात है, 1000 रन पार हो गए हैं। वहीं पर मोस्ट फोर्स की बात करें तो ये भी दीपेंद्र सिंह हैरी के नाम है, 88 फोर्स के साथ वो इस लिस्ट में टॉप पर है और बहुत अच्छा है कि वो इस दोनों ही लिस्टों में T20I जिस तरीके के कैलिबर है उनका उसमें ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। बिल्कुल, तो ये आपको कहीं ना कहीं पता चला कि मोस्ट रन और मोस्ट फोर्स नेपाल क्रिकेट में किसके नाम है T20I में। उसके बाद अगली तरफ से मोस्ट सिक्सेस ये इनके नाम है जो आपको बताए, जी हाँ, ज्ञानेंद्र मल्ला, इन्होंने 36 छक्के लगाए, 36 सिक्सेस अभी तक इन्होंने लगाए T20I में, जो कि सबसे ज्यादा है नेपाल की तरफ से T20I में। उसके बाद मोस्ट 50s की बात करें यानी हाफ सेंचुरीज की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हैरी और कुशल गुर्जर, इन दोनों के नाम 5-5 हाफ सेंचुरीज है T20I में, जो कि नेपाल के लिए सबसे हाईएस्ट इस वक्त है 50s में अगर हम बात करें T20I में। बिल्कुल, और बेस्ट एवरेज की बात करें तो ये कुशल गुर्जर का हो जाता है, जी हाँ, 47.75 का उनका बेस्ट एवरेज है जो अभी नेपाल के T20I पूरे सब हिस्ट्री में। वहीं पर बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो करण केसी, जिनका 156 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ही ज़्यादा, और वो तो खैर जानते ही हैं जिस तरीके की वो हिटिंग करते हैं नीचे आके, ऊपर के प्लेयर भी इसके थोड़ा बहुत इर्द गिर्द के स्ट्राइक रेट से खेले तो बहुत फायदा होगा टीम को। बिल्कुल, उसके बाद अगले सेक्शन की बात करें तो मोस्ट विकेट्स T20I में जिनके नाम है वो है संदीप लामिछाने, नो डाउट, जी हां, 85 विकेट्स उनके नाम है T20I में, जो कि लाजवाब कह रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से क्रिकेट में लौटे और अपने शतक को कंप्लीट करें विकेट्स के। उसके बाद मोस्ट मेडल्स T20I में नेपाल की तरफ से सबसे ज्यादा बैटिंग ओवर डालने वाले जो बॉलर है वो है सोमपाल कामी, जिन्होंने 4 ओवर कहीं ना कहीं मेडल्स अब तक डाले हैं। उसके बाद अगला सेक्शन है मोस्ट डिसमिसल्स, या मोस्ट डिसमिसल से हमारा मतलब है एज अ विकेट कीपर सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाले जो प्लेयर है वो है विनोद भंडारी, जिन्होंने अब तक 17 डिसमिसल्स किए हैं जिनमें 9 कैच और 8 स्टंपिंग कहीं ना कहीं मौजूद है। तो लगातार T20I के स्टार्ट हम आपको बता रहे हैं नेपाल से रिलेटेड जो आपने कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट किया था, उम्मीद है कि आपको अब तक ये वीडियो जो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अफोर्ड के लिए, और आगे और बहुत सारे स्टार्ट्स हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। बिल्कुल, मोस्ट कैचेस की बात करें बाय अ प्लेयर, जी हाँ, किसी प्लेयर के द्वारा सबसे ज्यादा कैचेस, तो 23 कैचेस पकड़े हैं ज्ञानेंद्र मल्ला ने, अब तक मोस्ट है ये, और उम्मीद करेंगे कि इसका रिकॉर्ड, इनका रिकॉर्ड भी जरूर टूटे और ये खुद ही और लंबा जाए, ये अच्छी बात है। वहीं पर लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप को देखें तो कुशल गुर्जर एंड दीपेंद्र सिंह हैरी, इन दोनों की पार्टनरशिप जो 173 रन की हुई थी, 171 की फिलीपींस के खिलाफ ग्लोबल क्वालिफायर्स में, धुआंधार बैटिंग की थी इन दोनों ने। बिल्कुल, तो लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं ये आती है T20I में सबसे लंबी पार्टनरशिप करने वाले जो दो प्लेयर है वो है कुशल गुर्जर और दीपेंद्र सिंह हैरी। उसके बाद अगले बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर हो जाता है, मोस्ट मैचेस T20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले नेपाल के प्लेयर जो हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, आप जरा गौर से सुनिएगा, ज्ञानेंद्र मल्ला ने 45 मैचेस खेले हैं जो सबसे ज्यादा है T20I में नेपाल की तरफ से। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हैरी 44 पे है, सिर्फ एक मैच दूर है। उसके बाद करण और सोमपाल कामी 43 में है, सिर्फ 2 मैच दूर है। और उसके बाद माफ कीजिए, करण और संदीप लामिछाने 43 पे हैं, और उसके बाद सोमपाल कामी 42 पे हैं, यानी सब एक आध दो दो मैच आए किसी से आगे पीछे, क्योंकि तो ये सारे प्लेयर्स काफी वक्त से टीम के साथ बहुत अच्छे हैं। तो T20I में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले प्लेयर कोई हैं तो वो है फिलहाल ज्ञानेंद्र मल्ला, जो एक मैच आगे हैं दीपेंद्र सिंह हैरी से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात, अगले स्टैट्स की बात करें तो मोस्ट मैचेस एज अ कैप्टन, जी हां, वो T20I में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले प्लेयर नेपाल की तरफ से अगर कोई है तो वो है पारस खड़का, जिन्होंने 27 मैचों में T20I के अब तक नेपाल के लिए कप्तानी करी, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। स्टार्स लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
बिल्कुल। और आप बात करें बिगेस्ट विन बाय रन्स की, तो 142 रन की सबसे बड़ी जीत है जो नेपाल ने नीदरलैंड्स के खिलाफ जीती थी लास्ट ईयर। जी हाँ बिल्कुल। और वहीं पर हाईएस्ट टीम टोटल की बात करें तो 238/3 वर्सेस नीदरलैंड, ये भी लास्ट ईयर है जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की थी, बहुत ही लाजवाब बैटिंग रही थी। लोएस्ट टोटल की बात करें तो ये 2015 में आयरलैंड के खिलाफ आया था नेपाल का, जिसमें वो 53 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। बिल्कुल, वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच था, कहीं ना कहीं तो यहाँ पर 53 रन पर ऑल आउट हो गए थे। ये सारे स्टैट्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिए जो आपने रिक्वेस्ट किए थे, ये कंप्लीट 20 स्टैट्स हैं नेपाल क्रिकेट से रिलेटेड। सारे अपडेट्स यहाँ पर हमने आपको देने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। आप सबसे वापस से रिक्वेस्ट है कम्युनिटी टैब को चेक करना, किसी भी अपडेट भूलिएगा, वहाँ पर कई सारे अपडेट्स हैं जो आप मिस आउट कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लगातार अपडेट हो रही है। चैनल पर आए हैं वीडियोज देख रहे हैं तो जाते जाते कम्युनिटी को भी चेक करने में कोई हर्ज नहीं, 2-4 मिनट में आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। और हाँ, अगर आप ओडीआई में इस तरह का स्टैट्स वाला वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम ओडीआई से रिलेटेड भी इतने सारे स्टैट्स निकालकर कंप्लीट नेपाल क्रिकेट के स्टैट्स आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और कमेंट करेंगे तो हम जरूर आपके लिए वो भी वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।